12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ इनकी स्थापना हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनमें ज्योति रूप में भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व माना गया है। हर एक ज्योतिर्लिंग के पीछे पौराणिक कथाएं हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पवित्र शैल पर्वत पर मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह भगवान शिव के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ माता पार्वती और शिवजी स्थापित है और यह ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। अनेक धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके दर्शन से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। वेद पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय विवाह के लिए आपस में झगड़ने लगे थे। वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि सबसे पहले विवाह कौन करेगा। तब भगवान शिव ने निष्कर्ष निकालने के लिए उन दोनों को एक कार्य सौंपा। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा उसी का विवाह सबसे पहले किया जाएगा। भगवान कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए चले गए, लेकिन गणेश जी अपने स्थूल शरीर की वजह से विचार में पड़ गए। बुद्धि के देवता गणेश जी ने सोच विचार करके अपनी माता पार्वती और पिता महादेव से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठे जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी सात परिक्रमा की। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर्बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी से वापस लौटे तो गणेश जी को विवाहित पाकर अपने माता पिता से अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर आ गए। इसके बाद सभी देवता उनसे कैलाश पर्वत पर लौटने की विनती करने लगे, लेकिन वे नहीं माने। पुत्र वियोग में माता पार्वती और भगवान शिव दुखी हो गए। जब दोनों से रहा नहीं गया तब वे स्वयं क्रौंच पर्वत पर गए। माता पिता के आने की खबर सुनकर कार्तिकेय वहां से और दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन के लिए भगवान शिव ने ज्योति रूप धारण किया और उसी में माता पार्वती भी विराजमान हो गई। उसी दिन से इन्हें मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। इसमें मल्लिका माता पार्वती का नाम है जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग पूरे जगत में प्रसिद्ध है।